आदमी ये कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि नया हिंदुस्तान है, दहशतगर्दी या खराब हम सरहद के एक तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी आकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई है वह जहां बैठे होंगे वहां हम खुद शर्माएंगे। मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 नहीं एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया जो आज बढ़ते बढ़ते और पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक हो गया और यह रकम कितनी ज्यादा है इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने मिन्नते कर रहा था उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हो गया। मैंने तो कहा कि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों क्यों दूरी बना कर मुझे रखे, क्यों दूरी बना कर रखे, आप हमारे पड़ोसी बोलो और हमारे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यही हमसे बेहतर रिश्ते बना कर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दोस्तों हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इस्तेमाल लंबे समय से होता चला रहा, दूसरे मुल्कों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है उस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको यह यकीन दिलाता चाहता हूँ। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है पाकिस्तान का ही हाथ मिला है। मेरे दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। हिंदुस्तान की हर सरकार ने बराबर पाकिस्तान को समझाया और आपने देखा होगा कि हमारे आपने अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पैदल चलकर पाकिस्तान गए जब वह प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल को तोड़ कर मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ जी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। हिंदुस्तान की हर सरकार ने पाकिस्तान को समझाया है कि अपनी जमीन पर चलने वाले टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को बंद करो, मगर आज भी वह भाग नहीं आ रहा। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान इस समय बहुत आया है और बराबर कोशिश कर रहा है कि फिर से दहशतगर्दी का आलम इस जम्मू कश्मीर में आया, नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत हो। मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों के हौसले को देखकर मुझे पक्का यकीन है कि मेरे दोस्तों अब यहाँ की जमहूरियत को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है, मेरा पक्का विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि नया हिंदुस्तान है, दहशतगर्दी या खराब हम सरहद के एक तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी आकर मुकाबला कर सकते हैं आगे। और जो लोग सरहद के पार रहकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं और उनको साफ साफ यह बता देना चाहता हूं कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई है वह जहां बैठे होंगे वहां हम खुद शर्माएंगे।